हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रैंक योर पोस्ट ऑन गूगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हो। जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आता है कि हम अपने पोस्ट को कैसे गूगल पर रैंक करें। हर एक ब्लॉगर का, हर एक वेबसाइट बनाने वाले का ये सपना होता है कि वो अपने पोस्ट को इजीली गूगल पर रैंक कर सके, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गूगल के फर्स्ट पेज पर अपना पोस्ट रैंक कराना ये बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही डिफिकल्ट काम ही है। और दोस्तों, जब तक आपका पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं करता, तब तक आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा कम आता है। तो इसी के चलते हर वेबसाइट बनाने वाले का, हर ब्लॉगर का ड्रीम होता है कि वो अपने हर पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सके। और वो अपने पोस्ट को गूगल पर रैंक कराने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पोस्ट गूगल पर रैंक नहीं करता। जब तक आपके वेबसाइट के कुछ पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं करते, तब तक आपके आने वाले पोस्ट, आप जो भी न्यू आर्टिकल लिखोगे, न्यू पोस्ट लिखोगे, वो गूगल पर रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वेबसाइट न्यू होता है और गूगल के पास लाखों वेबसाइट्स है जिसको वो अपने सर्च में फर्स्ट पेज पर दिखा सके। तो ऐसे में दोस्तों, आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एक न्यू वेबसाइट के पोस्ट को आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो और ये जो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो टेक्निक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर वो आप फॉलो करते हो तो गाइस, आपका पोस्ट इजीली गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकता है। जी हाँ गाइस, तो इस छोटी सी वीडियो को आप बिना स्किप करिए देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली अपने पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हम कैसे अपने पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करवा सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप एक न्यू वेबसाइट बनाते हो और जब आप उस पर काम करते हो, पोस्ट लिखते हो और सोचते हो वो पोस्ट गूगल पर रैंक कर जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होता, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी लाखों वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद है उसी टॉपिक पर। तो गाइस, गूगल ऐसे में हमारे वेबसाइट को क्यों अपने फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा, बताइए आप। गाइस, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गाइस ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और ऑलरेडी गूगल के पास बहुत ज्यादा वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में हमारे वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाए, ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता। तो गाइस, ऐसे में जब भी हम एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बना लिया और वेबसाइट बनाने के बाद हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं आपको पता है? हमने एक टॉपिक पे वेबसाइट तो बना लिया, वेबसाइट बनाने के बाद जब उस पर आर्टिकल हम लिखते हैं, तो गाइस जिस भी टॉपिक पे आपने वेबसाइट बनाया हो उस टॉपिक से रिलेटेड जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो आप कीवर्ड रिसर्च तो करते होंगे। तो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी भी नीच पे वेबसाइट हो तो आप किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हो, तो गाइस ऐसे में जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आप देखते हो सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस कीवर्ड पे आ रहा है, हमें उस कीवर्ड पर अपना आर्टिकल लिखना होगा और हम उस कीवर्ड पर आर्टिकल लिख देते हैं। ऐसे में गाइस, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक वाला कीवर्ड होगा ना गाइस, उतने ज्यादा ब्लॉग्स, उतने ज्यादा वेबसाइट उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो गाइस, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं एक कीवर्ड को सर्च करता हूँ आपको बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ शायरी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक काफी फेमस कीवर्ड है शायरी, तो इसका सर्च रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा है। तो गाइस, इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद अब हम चलते हैं उबर सजेस्ट पर। गाइस, उबर सजेस्ट एक फ्री टूल है ब्लॉगर्स के लिए, काफ़ी अच्छा टूल है। तो हम इस टूल पर आते हैं, आने के बाद मैंने जो कीवर्ड को कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और सर्च कर देते हैं, और यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं कि शायरी जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो शायरी जो कीवर्ड है उसका सर्च वैल्यूम है 22,40,000। आप यहाँ पर देख सकते हो 22,40,000 इस कीवर्ड का सर्च है, जो कि काफ़ी हाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो SEO डिफ़िकल्टी जो है वो 62। तो मैं यहाँ पर आपको बताना ये चाह रहा था, जब भी आप एक न्यू वेबसाइट बनाते हो तो आप जब भी आर्टिकल लिखने जाते हो तब आप ऐसे कीवर्ड को सेलेक्ट करते हो जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। तो गाइस, जब भी आप किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हो, गाइस किसी कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिखते हो,
तब आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप सबसे ज़्यादा सर्च वैल्यूम वाले कीवर्ड को आप सेलेक्ट कर लेते हो, क्योंकि गाइस जितना ज़्यादा सर्च वैल्यूम होगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए आप इस तरह के कीवर्ड को आप सेलेक्ट करते हो। ये एग्जांपल मैंने बताया है शायरी, बट आप किसी भी नीच में हो, किसी भी नीच पर आपका वेबसाइट हो, उसमें जो सर्च वैल्यूम ज़्यादा हो आप उस कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन आप ध्यान यहाँ पर ये नहीं देते, जितना ज़्यादा सर्च वैल्यूम होता है उतना ज़्यादा यहाँ पर SEO डिफ़िकल्टी भी होती है। अब इतना ज़्यादा सर्च वैल्यूम है तो गाइस और भी ब्लॉगर्स होंगे जो बहुत सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो इस कीवर्ड को इतना ज़्यादा सर्च वैल्यूम को क्यों छोड़ेंगे, बताइए आप। तो ऑलरेडी इस तरह के जो ज़्यादा सर्च वैल्यूम वाले कीवर्ड्स होते हैं, वो जो पुराने ब्लॉगर्स बैठे हैं ऑलरेडी उस टॉपिक को वो कवर करे होते हैं। जी हाँ गाइस, जितना ज़्यादा सर्च वैल्यूम वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, पुराने सारे ब्लॉगर्स जो सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो उन कीवर्ड्स को जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनके पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पॉसिबल सा होता है इतने सर्च वाले कीवर्ड पर हम आर्टिकल लिखे और उसे रैंक कराए, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा। हमें इस तरह के शॉर्ट टेल कीवर्ड, यानी कि देखिए आप शायरी वन वर्ड कीवर्ड है, तो इस तरह के कीवर्ड्स पे हमें काम नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर सर्च वैल्यूम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में हम कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख लें, कितनी भी अच्छा SEO करें, लेकिन फिर भी पुराने साइट्स ऑलरेडी रैंक है, तो ऐसे में हमें रैंक करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, नहीं हो सकता। तो गाइस ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ट्रैफिक कम होता है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो गाइस ऐसे में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखाता हूँ शायरी। मैंने इस वाले कीवर्ड को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं नेट बहुत स्लो है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर से मैं SEO डिफ़िकल्टी और यहाँ पर से मैं SEO डिफ़िकल्टी जो है उसे 10 कर देता हूँ, मैक्सिमम 10, और अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई कर देने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा कीवर्ड था शायरी जिस पर 22 मिलियन का ट्रैफिक था। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है गाइस, सिर्फ वन वर्ड कीवर्ड है गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे आपने SEO डिफिकल्टी 10 कर दी है, तो यहाँ पर से कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं, शायरी फॉर लव डाउनलोड, शायरी फॉर न्यू लव, शायरी ऑन 15th अगस्त, दोस्ती शायरी विद इमेजेस। यानी कि ये 2-3 वर्ड्स के जो कीवर्ड्स है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 वर्ड्स का एक कीवर्ड है। तो गाइस ऐसे में आप देख सकते हो यहाँ पर जो सर्च वैल्यूम है वो 9900, सर्च वैल्यूम बहुत कम है, बहुत कम नहीं, 9900 सर्च वैल्यूम बहुत अच्छा होता है गाइस। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर देख सकते हो SEO डिफ़िकल्टी, यहाँ पर आप देख सकते हो 8, यानी कि इसकी जो SEO डिफ़िकल्टी है वो सिर्फ 8 है गाइस। तो आप इस तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका एक न्यू वेबसाइट है गाइस, तो ऐसे में आप जब भी आर्टिकल लिखो तो किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहिए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर आप इजीली रैंक करा सकते हो गाइस। एग्जांपल के लिए गाइस मैं आपको अपना वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ जो कि न्यू वेबसाइट है, 2 महीने शायद हुआ होगा मेरे वेबसाइट को बने, तो मैं इसी तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर अपने साइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स कॉपी करके रखे हैं जिन पर मेरा पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद हम चलते हैं गूगल पर, और गूगल पर आ जाने के बाद मैं उस कीवर्ड को सर्च करके देखता हूँ मेरा पोस्ट जो है कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो गाइस मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे वेबसाइट का नेम है bestlines.in, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस जैसे मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, लॉन्ग टेल कीवर्ड है और मेरा न्यू वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये जो इमेज है ना गाइस ये मेरी इमेज है, और ये जो इमेज है ये भी मेरी इमेज है। आप देख सकते हो इमेजेस भी मेरी रैंक कर रही है, ये 2 इमेजेस मेरी है, मैं आपको अभी बताऊंगा ये भी मेरी है। और आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो, फर्स्ट पर कोई शायरी बाजार का आर्टिकल रैंक कर रहा है, और सेकंड पर सैड शायरी इमेजेस डॉट कॉम, और यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर पर bestlines.in, ये मेरा वेबसाइट है गाइस।
आप देख सकते हो 1 अगस्त को मैंने ये पोस्ट लिखा था, मेरा ये फर्स्ट पोस्ट था शायद, 1 अगस्त को मैंने ये पोस्ट लिखा। तो गाइज आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर गूगल के फर्स्ट पेज पर 3rd पोजीशन पर मेरा जो पोस्ट है वो रैंक कर रहा है गाइज। तो इसी तरह से यहाँ पर और भी कोई दूसरे पोस्ट रैंक कर रहे हैं। ये हो गया एक कीवर्ड, अब मैं दूसरा कीवर्ड सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कीवर्ड हो गया, ये सेकंड कीवर्ड भी सेम ही है। चलिए हम 3rd वाले कीवर्ड को हम सर्च करते हैं, हर टचिंग शेयर इज इन इंग्लिश। इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट और सर्च। तो गाइज जैसे ही रिजल्ट आता है, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो ये जैसे ही मैंने सर्च किया मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट मेरा कहाँ पर है कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल के फर्स्ट पेज पर ही है, थोड़ा सा नीचे है। हाँ ये ऊपर आ जाएगा, मैंने बैकलिंक्स नहीं बनाए, बट यहाँ पर आप देख सकते हो bestlines.in, ये मेरा वेबसाइट है गाइज। तो इसी तरह से एक और कीवर्ड को जल्दी से मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ। इस वाले कीवर्ड को मैंने कॉपी किया, कॉपी कर पेस्ट किया सर्च। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट shayaribazaar.com, सेकेंड जो पोजिशन है वो मेरे वेबसाइट की है bestlines.in। आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे मेरा पोस्ट जो है वो रैंक कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये इमेज भी मेरी है, जैसे मैं इस पर अपना माउस का कर्सर ले जाता हूँ आप देख सकते हो bestlines.in, यानी कि ये मेरी इमेज है। चलिए एक और कीवर्ड को जल्दी से सर्च करते हैं, स्टेटस इन रोमन इंग्लिश, बहुत अच्छा कीवर्ड है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पोस्ट रैंक कर रहा है। गाइस कितने कीवर्ड्स ऐसे बता दिए जिन पर मेरा पोस्ट जो है वो फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। तो गाइस ये होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड गाइस, भले ही इसमें थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम होता है, लेकिन गाइस आप अंदाजा लगाइए मैंने कितने कीवर्ड्स अब तक सर्च किए, तो उन सब कीवर्ड्स पर मेरा पोस्ट जो है वो रैंक कर रहा है। तो इसी तरह सब कीवर्ड पर थोड़ा 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 ट्रैफिक आपको मिलेगा, बट गूगल के नज़र में ये होगा कि आपके कोई पोस्ट तो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं, वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, आपको विजिटर मिल रहे हैं, विजिटर आपके पोस्ट पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपका वही आर्टिकल ऊपर आएगा, रैंक करेगा, फिर उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो गूगल के नज़र में थोड़ा अच्छा लगेगा, तब जाके आप जो भी पोस्ट लिखोगे उन्हें आसानी होगी आपको गूगल पर रैंक कराने में। तो गाइस जब भी आप न्यू वेबसाइट बनाते हो ना गाइस, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर काम करना होगा गाइस। जी हाँ गाइस, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का तो मैंने आपको बताया है, जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का होगा उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं कई सालों से उस कीवर्ड को वो ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, उस कीवर्ड पर ऑलरेडी वो एक नहीं बल्कि 10-10 पोस्ट लिखकर रख चुके होंगे, तो ऐसे में आप रैंक नहीं करवा पाओगे। तो ऐसे में आप कर सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो ऐसे में गाइज आप एक पोस्ट में एक कीवर्ड को तो टारगेट नहीं करोगे, हाँ एक तो मेन कीवर्ड होगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड जितने भी आप यूज करोगे वो भी रैंक करेंगे, आपके पोस्ट को बूस्ट मिलेगा, बहुत सारे पोस्ट लिख सकते हो, बहुत सारे कीवर्ड्स को आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हो। धीरे धीरे ट्रैफिक जैसा जैसा आता जाएगा आपका जो वेबसाइट है वो गूगल के नज़र में अच्छा बनता जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स भी आप थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे आपका वेबसाइट पुराना होता जाएगा आप इजीली रैंक करा सकते हो, वहाँ से अच्छा खासा आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। अच्छा खासा ट्रैफिक जब जनरेट करने लग जाओगे आप तो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे। तो गाइस इस तरह से आपको स्मार्टली वर्क करना होगा, आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर काम करना है, आपको अपने वेबसाइट को पहले तो गूगल के फर्स्ट पेज पर लाना है, चाहे ट्रैफिक कम क्यों ना आए, बिगिनिंग में आपको यही करना है गाइस। जैसे जैसे आपको SEO के बारे में अच्छे से पता चलेगा, जैसे जैसे आपका वेबसाइट ग्रो करने लगेगा, तब आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर आप काम कर सकते हो गाइस। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही बताना था गाइस, अगर आप चाहते हो मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड को कंपेयर करूं गाइस आने वाली मेरी वीडियो में कि क्या डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, अगर आप ये जानना चाहते हो गाइस, तो गाइस इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। 500 लाइक्स जैसे ही इस वीडियो पे आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में डेमो के साथ दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस bestlines.in ये मेरा वेबसाइट है गाइस, न्यू वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो 6-7 पोस्ट मैंने लिखे हैं और हर पोस्ट गूगल पर रैंक कर रहा है गाइस। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा गाइस, आप अगर विजिट भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिए, और गाइस आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।